हेलो गाइस, तो गाइस आज हम बात करेंगे सोनी और मार्वल की नई अपकमिंग रिलीजिंग डेट के बारे में। और वो रिलीजिंग डेट रिवील्ड कर दी है पर मूवी का नाम अभी तक नहीं बताया है। और साथ ही साथ बात करेंगे प्रेडिक्शन के बारे में कि उस रिलीजिंग डेट को कौन सी मार्वल और सोनी एक साथ मूवी मिलकर लॉन्च कर सकता है। आप सभी को पता होगा कि सोनी और मार्वल के बीच में डील हो चुकी है, जो कि मार्वल स्पाइडरमैन के ऊपर पूरा काम कर रहा है, फोकस कर रहा है, और यहाँ पर सोनी विलेंस को लेकर पूरा फोकस कर रहा है। जी हाँ, विलेंस को लेकर वो अलग से एक यूनिवर्स बना रहा है, जिसमें कि सबसे पहले स्टार्टिंग हुई वेनम से, फिर मॉर्बियस से, फिर उसके बाद केविन द हंटर, फिर सिल्वर एंड सेल जो कि अपकमिंग मूवी है, फिर देन उनका लास्ट जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा वो होगा सिनिस्टर सिक्स। तो आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि विलेन के ऊपर कितना ज़्यादा फोकस कर रहा है। बट अभी हाल ही में मार्वल ने एक नई रिलीजिंग डेट लॉन्च करी है सोनी के साथ, जो कि है रिलीजिंग डेट 8 अक्टूबर 2021। जी हाँ, 2020 में सोनी और मार्वल की दो मूवी रिलीज हो रही हैं, वो है वेनम और मॉर्बियस। अब 2021 में हमें देखने को मिलेगी स्पाइडरमैन 3 और मिलेगी हमें नई अपकमिंग मूवी 8 अक्टूबर 2021 को। बट मूवी का नाम अभी तक रिवील नहीं करा गया है। तो छोटी सी जो प्रेडिक्शन आई थी रिलीजिंग डेट लॉन्च होने के बाद, वो थी स्पाइडर वूमेन, जो कि सोनी ऑफिशियली इसके ऊपर काम करेगा। ये 100 में से 75% लग रहा है कि ये मूवी बन सकती है, बट 30% जो अभी हाल ही में चांस थे कि उन्होंने केविन द हंटर के ऊपर काम करने का भी सोचा है, वो उसके ऊपर भी एक ऑफिशियल अलग से मूवी बनाएंगे। तो ये 30% चांसेस है कि इसके ऊपर ये मूवी बन सकती है और 8 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हो सकती है। पर सबसे ज़्यादा स्पाइडर वूमेन के नाम आ रहे हैं। सोनी ऑफिशियली मार्वल इसके ऊपर काम करेगा, तो देखते हैं कि इन दो में से कौन सी मूवी हो सकती है। और रही स्पाइडर वर्स 2 के बारे में, जो कि रिलीज होगी 2022 में, जी हाँ ये मूवी अभी हाल ही में हमें देखने को नहीं मिलेगी। और उसी के साथ आप सभी जानते हो कि मॉर्बियस के रीशूट भी चल रहे हैं, और मॉर्बियस के जो एक्टर हैं उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक इमेज डाली है रीशूट की, वो दोबारा से कॉमिक को पढ़ रहे हैं उसको, और देख रहे हैं कि कैसे मॉर्बियस एक्टिविटी करता है या कैसे भी हरकतें करता है। तो ये भी काफ़ी कमाल का फनी सीन था, क्योंकि अब तो मूवी कंप्लीट हो चुकी है फिर भी वो उन्होंने इस चीज़ को डाला। देन उसी के साथ आपको बता दूं कि केविन हंटर पे या अगर स्पाइडर वूमेन पे मूवी बनी है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ केविन हंटर पे, इतना स्पाइडर वूमेन के लिए नहीं, क्योंकि वो काफ़ी कमाल का कैरेक्टर है और आपने उसकी पावर देखी होगी, वो स्पाइडरमैन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये एक सुपर हीरो है और वो एक विलेन है, तो मेरे को विलेन ज़्यादा अच्छे लगने लग गए हैं जब से जोकर मूवी देखी है मैंने इंग्लिश में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।